हेलो ग्लोबल व्यूअर्स, लिसनर्स, यूट्यूबर्स, मीडिया मैन, ग्लोबल मीडिया मैन। मैं बिग बॉस का सुपर हीरो, ओमजी हिंदू सेना का ग्लोबल प्रेसिडेंट और ओमजी हिंदू राष्ट्र निर्माण महासंघ का ग्लोबल प्रेसिडेंट, ओमजी राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण महासंघ का ग्लोबल प्रेसिडेंट स्वामी ओमजी। मैं आप लोगों को भगवान श्री राम के जन्मभूमि का मंदिर निर्माण के लिए मैं आप लोगों से कुछ अपील करना चाहता हूं। आज 16 जून 2019 को जो मैंने मेरे शिष्य उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख को, उनके बेटे आदित्य ठाकरे को, उनकी पत्नी को, उनके 18 सांसदों को जो मैंने भेजा है वहाँ पे अयोध्या में भगवान श्री राम लला का दर्शन करने के लिए, और कल हमारे परम मित्र नृत्य गोपाल दास जो राम जन्मभूमि न्यास के परमाध्यक्ष भी हैं, उनके जन्मदिन समारोह में मैं शामिल था। वहाँ भी मैंने सभी संतों से बात की और इन सभी चीज़ों से एक चीज़ खास तौर पर उभर करके आया, सबने वहाँ पर हमको संतों ने, और जो प्रयागराज महाकुंभ हुआ था, अर्धकुंभ हुआ था, उसमें भी करोड़ों संतों ने मुझे ये कहा कि स्वामी ओम जी 6 दिसंबर 1992 को जब आपने बाबरी ढांचा तोड़ा था अयोध्या में, आपको याद होगा कि बाबरी ढांचा जो तोड़ा गया, ये जो आपको दिखाया जाता है टेलीविजन में कि वो फावड़े से कुदाल से तोड़ा गया, इतना मजबूत ढांचा ऐसा नहीं हुआ था, वो तो सिर्फ बाहर से दिख रहा था। मेरे ओम जी हिंदू सेना के 5 कर्मठ अपनी आहुति देने वाले जो श्री राम भक्त थे उनको मैंने 5 हैंड ग्रेनेड दिया था, और जो वहाँ पर हनुमानगढ़ी है उसके रास्ते से चुपके से हमने उस बाबरी ढांचा के अंदर मैंने उनको घुसाया था। ऊपर से जो दिखाया गया भीड़, उस भीड़ को बचाते हुए अंदर से हमने ब्लास्ट किया था, जिसके वजह से पूरा बाबरी ढांचा छिन्न भिन्न हो गया, बिखर गया, और उसके ईंट ले करके हमारे सारे श्री राम भक्त लोग वहाँ से निकले। तो बाबरी ढांचा भी मैंने तोड़ा था, हालांकि उसमें मेरे परम शिष्य तत्कालीन शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का भी प्रेरणा मुझे मिला था, और चूंकि वो पॉलिटिकल पार्टी थी तो वो ब्लास्ट नहीं कर सकते थे, हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। मैं चूंकि रामदूत हूँ, श्री रामदूत हूँ, तो मुझे इन कानूनों की और इन मुकदमों की मुझे परवाह नहीं, इसीलिए हमने अपने 5 श्री राम भक्तों को अपने आत्माहुति देने के लिए और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माणार्थ उस कलंकित ढांचा को, बाबर के ढांचा को विध्वंस करने के लिए हमने वो अपने 5 रामदूत भेजे थे, जिनके माध्यम से हैंड ग्रेनेड से ब्लास्ट करा करके हमने उस ढांचा को खत्म किया। और उसी वक्त हमने निर्णय लिया था कि मैं वहां पर भव्य श्री राम मंदिर बनाने के लिए मैं आप सभी श्री राम भक्तों से मैं सहयोग लूंगा, लेकिन तत्कालीन उस वक्त जो मेरे एक शिष्य थे नरसिम्हा राव, वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप ये सब अभी निर्माण का काम आप मत कीजिए, थोड़ा सा हमको सहयोग दीजिए, और मैं आपको वादा करता हूं कि आपके माध्यम से ही भगवान श्री राम जन्मभूमि का नव निर्माण होगा। और उसके लिए उन्होंने उस वक्त तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे गुप्ता जी, उनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट सबमिट किया, जिसमें यह कहा गया कि स्वामी ओम जी का जो ओम जी श्री राम जन्मभूमि निर्माण महासंघ संस्था है, उस संस्था को ये जो जमीन है वो केंद्र सरकार देगी और वहां पर निर्माण होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे परम से पीवी नरसिम्हा राव जी का स्वर्गारोहण हो गया और वो काम मेरा रुक गया। लेकिन उसके बाद से लगातार मैं अशोक संघल वेदांति जी महाराज, हमारे नित्य गोपाल दास जी महाराज, प्रवीण भाई तोगड़िया, इन सबके साथ मिलकर के मैं इस आंदोलन को मैंने जीवित रखा, और उसका सुपरिणाम ये हुआ कि इसी श्री राम मंदिर को बनाने के लिए, नवनिर्माण के लिए ही मैंने नरेंद्र मोदी जी को, ये 2019 का चुनाव है उसमें मेरी जो 51 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल
उसके माध्यम से पूरे भारत में कैंपेनिंग करके मैंने भाजपा को 303 सीटें मैंने दिलवाई पूर्ण बहुमत से। हालांकि जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे और मेरे साथ में एक डेलीगेशन गया हुआ था संतों का, हम लोगों ने वाजपेयी जी से कहा था कि भाई आप एक कानून बना करके भगवान श्री राम के जन्मभूमि का मंदिर का आप निर्माण कीजिए। तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे ये कहा था कि स्वामी जी अभी हम अल्पमत में हैं, अभी यदि हम कानून के लिए हम प्रस्ताव रखेंगे पार्लियामेंट में तो मेरी सरकार गिर जाएगी, लेकिन भाजपा ये वादा करती है कि जिस दिन भाजपा पूर्ण बहुमत से आएगी उस दिन हम कानून बना करके हम निश्चित रूप से भगवान श्री राम का जन्मभूमि का मंदिर का भव्य निर्माण हम निश्चित रूप से करेंगे और उस मार्ग को प्रशस्त करेंगे, और उसके लिए हम आपको जमीन जो है वहां पर जो सरकार ने यूपी सरकार ने अधिग्रहण किया हुआ है वो जमीन हम आपके हवाले कर देंगे। और उसी लालच में भगवान श्री राम मंदिर की जन्मभूमि के मंदिर दिव्य मंदिर के निर्माण के लिए ही इतना सारा हमने मेहनत किया, बीजेपी को 303 सीटों से हमने बहुमत दिलवाया। अब ये और मोदी जी ने भी मुझे ये वादा किया था इस चुनाव से पहले कैंपेनिंग के दौरान कि स्वामी जी आप हमको कैंपेनिंग के माध्यम से हमको आप पूर्ण बहुमत दिलवाइए हमारी पार्टी को, हम वादा करते हैं कि हम संसद में नया कानून बना करके श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण हम करेंगे। लेकिन अब कल से 17 जून से बजट सेशन शुरू हो रहा है, लेकिन उसकी कोई सुखबुगाहट है नहीं कि वो कोई कानून लाने वाले हैं। मैं बजट सत्र तो चूंकि जल्दी है मैं अभी तो मैं उन पर प्रेशर नहीं डालूंगा, लेकिन मैंने नरेंद्र मोदी जी को शपथ ग्रहण वाले दिन ही जो दूसरी बार उन्होंने शपथ ग्रहण लिया उस दिन भी मैंने उनको राष्ट्रपति भवन में जब डिनर पार्टी थी तो उस टाइम पर मैंने उनको ये कहा था कि मोदी जी यदि आप कानून नहीं लाएंगे तो मेरी मुझे मजबूरी होगी 6 दिसंबर 1992 की तरह मैं आंदोलन करूंगा और मैं जबरदस्ती में मंदिर का निर्माण करूंगा। उसके लिए पहले भी मेरे 5 लाख कार सेवक मारे गए हैं, कुछ और मरेंगे, कुछ कार सेवक मरेंगे, कुछ सुरक्षा कर्मी मरेंगे, फर्क नहीं पड़ता, भगवान राम के लिए हम कुछ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मैं आप सभी श्री राम भक्तों से मैं अपील करता हूं, मैं उद्धव ठाकरे के अयोध्या गमन का तो मैं स्वागत करता ही हूं। मैंने नरेंद्र मोदी जी से भी कहा कि आप कानून बनाने से पहले आप अयोध्या में जाकर के भगवान श्री राम का आशीर्वाद लें, रामलला का आशीर्वाद लें और वहां पर इस बात की आप घोषणा करें कि आप कानून बनाने वाले हैं। यदि किसी कारणवश ये सिर्फ जुमलेबाजी करते रहे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, एक तरफ तो कहते हैं कि राम काज कीजिए बिनु मोहि कहां विश्राम, और राम काज कर भी नहीं रहे हैं, वो विशाल मूर्ति लगाने से तो रामलला का जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण नहीं हो जाएगा ना, हमको उसकी जरूरत नहीं है, हमको विकास की भी जरूरत नहीं है, विकास हम खुद ही कर लेंगे, हमारे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाने में हमारा मदद करें, विकास तो भगवान श्री राम का आशीर्वाद से हो जाएगा, राम राज्य की स्थापना हम करेंगे। मेरी जो ओम जी हिंदू राष्ट्र निर्माण महासंघ है, ओम जी राम राज्य निर्माण महासंघ है, उन सभी संस्थाओं के माध्यम से हम विकास भी कर लेंगे, राम राज्य की स्थापना भी कर लेंगे, हिंदू राष्ट्र का निर्माण भी हम कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर भव्य विशाल मंदिर बने, और उसके लिए मैं अल्टीमेटम देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भाजपा को, कि आप अगले सत्र में आप कानून लगा करके बाल प्रशस्त करें। मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी वो संविधान पीठ बैठे हुए हैं वो सारे के सारे हिंदू विरोधी हैं, वो बिल्कुल राम मंदिर नहीं बनने देंगे। ये जो 3 लोगों का जो मीडिएशन कमेटी बनाई गई है उस पर भी हमको भरोसा नहीं है, पिछले 500 सालों से ये मीडिएशन चल ही रहा है 1588 से लेकर अब तक कुछ नहीं हुआ, इससे कुछ नहीं होने वाला है मुसलमान। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट यदि जजमेंट भी देगा तो एक के पक्ष में देगा एक के खिलाफ देगा, तो जिसके पक्ष में देगा वो खुश होगा, जिसके खिलाफ देगा वो आंदोलन करेगा, तो बात तो वही वही रह जाएगी। हमारे यहाँ कहा गया है संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघ में एकता में ताकत है, ये मैंने 5 उंगली मैंने रखा हुआ है, एक उंगली से मैं किसी दीवार को तोड़ने की कोशिश करूंगा नहीं टूटेगा, लेकिन वहीं पर एक इकट्ठा करके 5 उंगलियों को इकट्ठा करके एक घूसा बना करके मैं किसी दीवार पे मारूंगा तो दीवार भी टूट करके नीचे गिर जाएगा, तो एकता में इतनी ताकत होती है। इसलिए मैं सभी संपूर्ण विश्व के सभी श्री राम भक्तों से सभी हिंदुओं से अपील करता हूं कि अभी से आप उग्र आंदोलन की तैयारी करें और 6 दिसंबर
2019 से मैं ये भगवान श्री राम के जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण कार्य मैं शुरू कर दूंगा। उसके लिए तैयारी अभी से करना है और करोड़ों की तैदाद में 6 दिसंबर 1992 को तो हम लोग सिर्फ लाखों की तैदाद में गए थे, इस बार 6 दिसंबर 1992 को हम करोड़ों की तैदाद में वहां पर पहुंचेंगे और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम दिखाएंगे अपने हिंदुत्व और श्री रामत्व की ताकत और हम अपना भव्य मंदिर भगवान श्री राम की जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करेंगे। इसको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। आप हिंदुओं को सहिष्णु बनने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री राम ने अपने धनुर्बाण से रावण का रहा न कुल में रोवन हारा, जब वो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं तो हम उनके भक्त हैं, हम शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं करें। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ राम विरोधी लोग हैं और हम 100 करोड़ श्री राम भक्त हैं। वो 20 करोड़ राम विरोधी लोग 100 करोड़ श्री राम भक्तों के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। भव्य मंदिर हम बनाएंगे और रामराज्य की स्थापना करेंगे, हिंदू राष्ट्र के निर्माण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।